तलाक मामले पर सियासत लगातार होती रहती है, तो वहीं देश की जानी मानी सोशल वर्कर और वकील आभा सिंह ने एक किताब लॉन्च की है, जिसके बारे में बारीकी से एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन ने ये जानकारी दी है, जो कि हर मुस्लिम महिला को जरूर सुनना चाहिए। तो क्या कहना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, जो कहा है उसके बारे में, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सी, वुमेन एम्पावरमेंट एक सेंटेंस हम बहुत सुनते हैं आज सोसाइटी में, वुमेन एम्पावरमेंट। उसकी रैमिनिफिकेशंस क्या हैं या उसकी आई वुड से रियलिटी क्या है कि जब तक एक औरत अपने हकों को, अपने कानून को जानेगी नहीं, तो वो उस हक के लिए लड़ नहीं सकती। लड़ इन द बैड सेंस नहीं, बट एक डिमांड भी तो कर सकती है कि मेरा ये हक है। पर अगर उसको पता ही नहीं कि भारतीय संविधान ने एक कानून बनाए हैं जो एक औरत को इक्वल ट्रीट करती हैं, सो दैट इक्वालिटी हर स्तर पे रहती है। सो मोस्ट ऑफ द वुमेन आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स। तो आई थिंक इनकी एक किताब में एक औरत को अपने हक जानने की क्षमता देते हैं पहले, कि दीज आर योर राइट्स, सो टिल यू नो योर राइट्स यू कांट फाइट फॉर इट। एंड आई थिंक वो हर भाषा में निकालें, उर्दू इसलिए है क्योंकि शायद ट्रिपल तलाक के बारे में उन्होंने काफ़ी गहराई में बात की है इसमें, और आज भी काफ़ी सारी मुस्लिम महिलाएं हैं जो शायद हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ पाती हैं, तो उर्दू जबान उनके लिए अच्छी है। हिंदी में तो निकली ही है, अभी उड़िया में निकाल रही हैं, मैंने बोला इंग्लिश में भी करिए भाई, इंग्लिश हाई सोसाइटी की वुमेन को भी उनकी राइट्स जाननी चाहिए। खैर, अब देखना होगा कि आभा सिंह की ये किताब मुस्लिम महिलाओं को उनके हक के लिए कितना जागरूक कर पाती है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।